नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता, यहां ऐसे ऐसे फरिश्ते रहते हैं जो जात पात से उठकर अपने जीवन को सिर्फ सेवा ही संकल्प मानते हैं। जहां हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली वर्षों से ऐसे गरीब परिवारों की मदद करते आ रहे हैं जिनके पास शव के कफन दफन का इंतजाम नहीं होता। इनायत अली के द्वारा पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया जाता है। इसी क्रम में आज फिर इनायत अली ने एक गरीब परिवार के शख्स की मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। जहां जिला अस्पताल विक्टोरिया से इनायत अली को फोन आया था कि किरण ठाकुर नामक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। वही उनका परिवार काफी गरीब परिस्थिति का है जिसके पास अंतिम संस्कार को लेकर ना रुपए है ना कोई व्यवस्था। वही सूचना पर गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली और उनकी टीम मौके पर पहुंची और बाहर में शव रखकर शमशान घाट में ले जाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। विक्टोरिया कैजुअल्टी से फोन आया रहा 1 बजे। किरण ठाकुर करके कोई महिला है जो अपने पति के साथ विक्टोरिया 108 की सेवा से आई थी और रास्ते में ही ख़त्म हो गई। अब उनके पास ना बॉडी ले जाने की व्यवस्था है ना ही अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था है। उन्होंने बोर्ड देख के हम लोगों को बुलाया है। तो रायताल मुक्तिधाम में किरण ठाकुर का अंतिम संस्कार उनके पति के द्वारा कराया जाएगा। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। रामलाल ठाकुर। क्या हो गया, कौन है आपकी बीवी है? किरण ठाकुर, इनको अटैक आया, एम्बुलेंस को फोन किए, 2 घंटा बाद आया, थोड़ी थोड़ी सांस चलती थी, लात के लाए, आधे रास्ते में ख़त्म हो गई। तो हमारे पास ले जाने की साधन संक्रांत की व्यवस्था नहीं है, तो हमने भाईजान को बोले कि संक्रांत करवा दीजिए, तो भाईजान से करो। कहाँ रहते हैं आप? पुरवार। आपका नाम? रामलाल ठाकुर। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।